हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम गाइस। मैं आज बात करने वाला हूँ आजाद वीजा को लेकर। जो बाहर कंट्री से लोग कतर में आजाद वीजा को लेकर आ रहे हैं, यानी बहुत से लोग जो बाहर कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो लोग भाई बाहर कंट्री से आना चाहते हैं आजाद वीजा में, तो भाई अभी इस टाइम आजाद वीजा में ना आए, कम से कम 2 महीना न तक ना आप एंट्री न कर कतर के अंदर आजाद वीजा में, यानी फ्री वीजा में। अगर आप कंपनी में आ रहे हो तो कंपनी में आ सकते हो, हाउस डिलीवरिंग में आ रहे हो तो हाउस डिलीवरिंग में आ सकते हो। अगर कोई भी ऐसी दुकान है जिसमें आपको काम मिल रहा है और आपके लिए बेहतर है तो आप उस दुकान में भी आ सकते हो। क्योंकि अभी बहुत से लोगों का मैं कमेंट देखता हूँ कि भाई मुझे आजाद वीजा चाहिए, मैं नेपाल से हूँ, बांग्लादेश से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, भाई बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है। तो भाई मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ कि अभी आजाद वीजा में कम से कम 2 महीने तक आप एंट्री न करें कतर के अंदर। अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, वीजा ले रहे हैं किसी से, या कोई भी ऑफिस वाला आपको वीजा दे रहा है 1.5 लाख, 2 लाख का, 2.5 लाख का वीजा आपको कोई भी ऑफिस वाला दे रहा है आजाद वीजा, फ्री वीजा दे रहा है, तो भाई उससे 3 महीने का रोम मांगिए और 3 महीने तक काम मांगिए, यानी 3 महीने तक उसकी जिम्मेदारी होना चाहिए काम के भी और रोम के भी। भाई बहुत से लोग आते हैं दोस्त के यहाँ रहते हैं, क्योंकि दोस्त कितने दिन तक रखेगा आपको, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो भी हटा देता है, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा महंगा है रोम। अगर भाई आते हो तो यहाँ पर रोम का व्यवस्था करके आना, काम का व्यवस्था करके आना, कम से कम आपको 3 महीने तक रोम का काम का व्यवस्था होना चाहिए तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि भाई यहाँ पर मौसम आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बारिश का मौसम है, देख सकते हो ये साइड सुबह बारिश भी हुई है और बारिश का मौसम यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर इस टाइम। तो लोग सफ़र भी जा रहे हैं, जितने कतरी हैं भाई ये लोग सफ़र जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये मौसम इंजॉय करने का है और घूमने का है। जब तक ले नए घर बनना नहीं चालू होंगे, जब तक नए घर नहीं बनेंगे और जब तक नए घर में काम नहीं चालू होगा, जब तक भाई बहुत से प्लम्बर है, बहुत से एसी वाले, यानी कि हर काम वाले अभी स्टाफ है, यानी काम बिल्कुल बंद है। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हो, आना चाहते हो, अगर आपको काम मिल रहा है, आपको रूम मिल रहा है, तो भाई आप वीज़ा ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए फ्री वीज़ा, और हमसे भी लेना चाहते हो तो हमसे भी ले सकते हो, हम भी फ्री वीज़ा देते हैं। बस इसीलिए मैं आपको राय मशवरा दे रहा हूँ कि भाई किसी के चक्कर न फंसिए, क्योंकि भाई 1-2 दिन काम मिलेगा उसके बाद आप रूम में बैठ जाओगे, 10 दिन काम करोगे 10 दिन रूम में बैठोगे, भाई इससे बेहतर कि अभी वहीं पर रहो, जिस कंट्री में आप हो अपने घर पर रहो, आराम से 2 महीने तक आप फ्री वीजा के बारे में ना सोचो। अगर कंपनी में आ रहे हो या कोई दूसरे भी काम में आ रहे हो तो भाई आ सकते हो, क्योंकि कंपनी आपको सैलरी देगी और काम रहेगा नहीं रहेगा वो आपको सैलरी देगी। पर आप फ्री वीजा में आते हो तो भाई तो आपको काम देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी आप अपना रूम का भाड़ा, खाने का खर्चा निकाल सकते हो। अगर आप कंपनी में आते हो, कंपनी आपको रूम भी देगा, खाना भी देगा और यहाँ तक आपको सैलरी भी देगी, क्योंकि कंपनी की पूरी जिम्मेदारी होगा। या घर में आते हो कोई भी, या हाउस डिलीवर हो, या खाने बनाने में आते हो, या कोई भी काम में आते हो, कंपनी ले या दुकान है या हाउस डिलीवर है या घर का कोई काम है, तो उसमें आते हो तो भाई आपको काम भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। अगर काम है या नहीं तो फिर भी आपको सैलरी मिलेगी आपको बराबर। अगर फ्री वीजा में आते हो तो भाई आपको काम ढूंढना पड़ेगा, रूम भी ढूंढना पड़ेगा, तो इससे बेहतर 2-3 महीने तक आप कतर एंट्री ना करें, क्योंकि मौसम ठंडा है, मौसम को जैसे लोग सफर जा रहे हो, घूम रहे हैं, तो पुराना भी काम बंद है और नया भी काम अभी चालू नहीं हुआ है। जब तक नया काम नहीं चालू होगा, जब तक भाई आपको कैसे आप काम करोगे, कैसे आपको सैलरी मिलेगी, कैसे आप कमा सकते हो। जिस टाइम यहाँ पर काम चालू हो जाएगा भाई बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि काम काफ़ी टाइम से बंद है, काम मिलना चालू हो गया भाई आराम से आप बैठ कर खा सकते हो और महीने का 8-9 हज़ार रियाल कमा सकते हो। फ्री वीजा में अच्छा खासा फायदा है और अच्छी खासी इनकम है, पर आपको काम मिलना चाहिए या तो आपका सिटिंग होना चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि भाई अब तो हमने आपको दिखाया मौसम के हिसाब से, मौसम कितना प्यारा मौसम है। तो भाई अगर आप आते हो तो आप उस ऑफिस से 3 महीने तक आप फ्री वीजे के बारे में वीजा लेते हो तो रूम और काम की बात कर लेना 2.5 से 3 महीने तक, तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप नहीं लेते तो भाई आपकी गलती बहुत बड़ी गलती है, किसी के भरोसे आते हो तो भाई बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपको 15 दिन 10 दिन 20 दिन काम मिलेगा महीने में, 10-12 दिन बैठ के खाओगे वो सब बराबर हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो भाई ये रही छोटी सी मैसेज आप लोग के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।